प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सुन लो हो संतो, सुन ले वो भैया, सुन लो हो संतो, सुन ले वो भैया, ये हरिश्चंद्र के कहानी है, हरिश्चंद्र के कहानी, ये हरिश्चंद्र के कहानी पावन भुइया माँ, छोटे छोटे गांव में बसैया जम्मू ननारी मल्ला लईका मल्ला, गुरुजन संत जन सबके पौरी माँ, हमर नवदीप पालिका मानस परिवार कोका भिलाई के सत सत नमन है। वैसे हम सबला ज्यादा कुछ तो नहीं है, तभो ले अपन छोटे बुद्धि के अनुसार वेद पुराण मन के कथा ला आपके समक्ष हम रखे के प्रयास करत हन। जैसे हनुमान जी की कृपा होही, प्रभु राम की कृपा होही, हम आपला राजा हरिश्चंद्र जी के कथा सुनावत हन। सज्जनों, सचमुच हमर पौराणिक गाथा में एक से एक महान पुरुष और महान नारी मन के बात लिखाए हवे। ये महान कथा मन, ये अमृतमयी कथा मन हमर जीवन के व्यथा ला दूर करते। आज हम सबला ऐसने कथा के श्रवण करे के, मनन करे के और अनुसरण करे के आवश्यकता है। सज्जनों, हम मानव तन लेके ये संसार में आहन, लेकिन ये मानव तन ला सार्थक करे बर हमला ऐसन कथा मन के जरूरत एकर सेती है, ताकि हम ये कथा में बताए महान पुरुष मन के रास्ता में चल के अपन जीवन के कल्याण कर सकन। हमर भारत देश मा बड़े बड़े दानी मन जन्म लिन, और आप तो जानथो कि दान के महिमा कतेक सर्वश्रेष्ठ है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात ले कहे हैं कि प्रकट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान,
जेन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। कलयुग में दान के महिमा सर्वश्रेष्ठ है, तो आवन दानी राजा हरिश्चंद्र के कथा भारत के पावन भुइया मां काशी नाम के एक पावन नगरी है, जिहा के राजा रहिस हरिश्चंद्र जी हर। वो अतेक सत्यवादी रहिस कि जेकर सत्यवादिता के आज तक लोग हा उदाहरण देते। एक घाव मुनिवर नारद जी हा स्वर्ग लोक में नारायण नारायण जपत जपत गिन देवता मल्ला सबला राजा हरिश्चंद्र के महिमा सुनाई। देवता मन कहे नारद जी कैसे आना हुई, तो नारद कहे कि हे देवताओं, मैं मृत्यु लोक ले घूमत घूमत आवत हूँ और मृत्यु लोक में एक जन राजा हरिश्चंद्र है जेकर दान के महिमा तीनों लोक में गुंजत हवे। तब ये देवता मन विचार करते कि हमू मन परीक्षा लेके देखन राजा हरिश्चंद्र के कि ये कतेक दानी है और कतेक सत्यवादी है। पुराण में एक ठन बात लिखा है कि अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याधृतम, अश्वमेध सहस्त्रादि सत्यमेवात अतिरिच्यते। अगर तराजू के एक पर्रा में अश्वमेध के यज्ञ के हजार घोड़ा मन रख दिया जाए और दूसर पर्रा में सत्य ला रख दिया जाए तो सत्य के पर्रा कहीं ज्यादा भारी होते। राजा हरिश्चंद्र जी सत्य के राह में चले आए, कोई भी उकर परीक्षा ली तो परीक्षा में वो असफल नहीं हो सके। देवता मन मुनि विश्वामित्र जी ला बुला के राजा हरिश्चंद्र जी के परीक्षा लेबर मृत्यु लोक में भेजी। और कैसे ढंग ले परीक्षा लेते मुनि विश्वामित्र जी, रात को जब राजा हरिश्चंद्र जी सोए रही थे विश्राम करत रही थे, उही समय उकर आँखी में एक सपना आते। वो सपना में मुनि विश्वामित्र जी महाराजला राजा हरिश्चंद्र जी जम्मो राजपाटला दान कर डर रहा है। सपना के बाद ला जब राजा हरिश्चंद्र जी सो के उठते तब सुरता करते। सुरता करे के बाद अपन पत्नी तारामती कर जाके हरिश्चंद्र जी कही थे, सुनत है तारामती, आज मैं रात को एक सपना देखे हूँ और वो सपना में मैं मुनि विश्वामित्र जी ला अपन जम्मू राजपाट ला दान कर दे रहे हूँ। तारामती तो पति के पद चिन्ह में चलैया नारी है, एक सती नारी रही और हो इसका सज्जनों मुनि विश्वामित्र जी बिहनिया ले आके राजा हरिश्चंद्र के द्वारी में आ गए। राजा हरिश्चंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी ला देख के प्रणाम करी, अहो भाग्य मुनि महात्मा, आप मोर महल में पधारे हो, आज मोर ये महल आज मोर ये कुटी धन्य हो गए, आप जैसे ऋषि के दर्शन पाके मोर जीवन धन्य हो गए। मुनि विश्वामित्र जी कहे, हरिश्चंद्र ते मोला जे दान देहस उही दान ला लेबर में आए हूँ। हरिश्चंद्र जी ला रात के सपना याद आ गए और बोले, हाँ मुनि महात्मा जी, सचमुच मैं आप ला अपन जम्मू राजपाट ला आज सपना में दान दे रहा हूँ, तो मैं संकल्प करत हूँ कि आज से मोर जम्मू राजपाट हा आपके हो जही। मुनि विश्वामित्र जी परीक्षा लीस जम्मू राजपाट ला राजा हरिश्चंद्र दान कर डरीस, अब ओकर पास कुछ भी नहीं बचीस। भगवान जब ककरो परीक्षा लेते ना तो बड़ा विचित्र परीक्षा लेते सज्जनों। तेकरे सेती संत मन की थे कि जब मनुष्य के दुख जीवन में दुख आते तो दुख के ऊपर दुख आ जाते। एकर कारण केवल ये है कि भगवान हमर सत्यवादिता के, हमर निष्कपट प्रेम के, हमर भक्ति के परीक्षा लेते कि मोर भक्त हा कहाँ तक मोर कसौटी में खरा उतर सकते।
सोना ला जतेक तपाए जाए ना, सोना के चमक उतेक ज्यादा बढ़ जाते। हीरा ला जतेक तराशे जाए, हीरा के चमक उतके ज्यादा बढ़ते। उही प्रकार से ईश्वर हमार जीवन में दुख देते, हमार परीक्षा लेते। यही ला तो तपस्या कहे जाते। हम सब अपन जीवन में तप करथन, तो तप के मतलब का होते? तप याने हम अपन आपला ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लिए कतना तपा सकथन, कतना अपन जीवन में दुख ला सहन कर सकथन, एकरे नाम तो तपस्या है। तेकरे सेती तो गोस्वामी जी कहते ना कि प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या नारी ला तपो मूर्ति कहे गए, काबर दुख ला सही भगवान के इंतजार। हरिश्चंद्र के परीक्षा लेबर विश्वामित्र जी कहे, राजन आप मुला राजपाट ला तो दान कट रहे हो, फिर अब आपके पास काहीच नहीं बचीस, लेकिन आप भूषी दक्षिणा कहाँ ले दूँ? तो देखन हरिश्चंद्र जी कैसे ढंगले अपन राजपाट ला दान करत हवे। राजा हरिश्चंद्र दानी है भैया, राजा हरिश्चंद्र दानी है भैया, सपना मां कर दीन दान हो अपन सर्व। राजा हरिश्चंद्र जी महान सत्यवादी अपन सत के मान ल रखे के खातिर सर्वस दान कर दिन। संसार में हर मनखे के एक लक्ष्य होते, और हर मनखे ला अपन लक्ष्य ला पाए बर दू ठन रद्दा मिलते। सज्जनों
एक रद्दा होते सच्चाई के और एक रद्दा होते बुराई के। बुराई के रास्ता में चलैया मल्ला मंजिल तो जल्दी मिल जाते, लेकिन वो मंजिल हा उकर लिए अंतकाल में दुखदाई हो जाते। पर जेन सच्चाई के रास्ता में चलते दुख ला सहते हुए अपन सत के मार्ग में अडिग रिथे, ऐसन मनखेला मंजिल देरी से भले मिलते, लेकिन वो मंजिल हमेशा के लिए उकर बर सुखदाई हो जाते। आप मन हमर पौराणिक कथा मन में देखता हो सुनता हो कि जतेक बुराई के रास्ता में रेंगैया है सब के एक दिन नाश हो गए, सबला अपजस मिली। पर संत मन उही बात ला कहे हैं कि अन्यायो पार्जितम धनम दश वर्षानि तिष्ठति, अन्याय से उपार्जित धन हा हमर पास केवल 10 वर्ष तक टिक सकते, उकर बाद वो धन हमर लिए दुखदाई हो जाते। राजा हरिश्चंद्र जी धन के मोहला त्याग के जब सब चीज दान कर दिन तो गुरु विश्वामित्र जी उकर से भूर्सी दक्षिणा मांगे। राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ के कहे कि भगवान आप मोर से भूर्सी दक्षिणा मांगत हो, फिर अब तो मोर पास काही नहीं है। फिर आप चिंता मत करो महाराज, मैं कहीं से भी करके कैसे भी करके आपला दक्षिणा ला दूँ। वादा करके राजा हरिश्चंद्र जी जब मो राजपाट ला छोड़ करके अपन पत्नी अपन बेटा रोहित कुमार ला धर करके काशी के बाजार में चल दिन। वहाँ जाके राजा हरिश्चंद्र सबला संबोधित करते कि भैया अगर कोई मोल लेवैया हो ही तो आप मोला ले सकतो, मैं आज मोल बिकाए बरा हूँ। धन्य है राजा हरिश्चंद्र जिन अपन सत के खातिर बिके बर तैयार हो गए, स्वयं बेचाए बर तैयार हो गए। ऐसन कई उदाहरण आते सत के रक्षा करे बर अपन प्राण ला तक कई संत महात्मा मन ने उछावर कर देते। आज बाजार में खड़े होके राजा हरिश्चंद्र जी जब चिल्लाए लागी तो हरिश्चंद्र जी ला एक शमशान घाट के मनखे हा एक डोम हा खरीद करके ले जाते। रानी तारामती और बेटा रोहित कुमार ला एक राजा हा लेक देते। तीनों कोई बेचा गए भैया, ऐसन गृहस्थी के उदाहरण आज हमर समाज में कहां मेखेला मिली। आज परिवार में अगर सत के राह में चले बर पिता तैयार है तब माता तैयार नहीं है, माता तैयार है तब बेटा तैयार नहीं है, बेटा तैयार है तब माता और पिता दोनों तैयार नहीं है। फिर धन्य है राजा हरिश्चंद्र के गृहस्थी जीवन ला कि तीनों के तीनों आज सत के राह में चले बर बिक गए। सज्जनों तीनों के तीनों आज बेचा गए भैया काशी के बाजार मां। दानी राजा बेचा गे ना, तारामती बेचा गे ना, संगमा रोहित बेचा गे ना, ये ते काशी के बाजार मां राजा रानी बेचा गे ना, ये ते काशी के बाजार मां राजा रानी बेचा गे ना।
काशी के बाजार में राजा रानी बेचा गे ना, काशी के बाजार में राजा रानी बेचा गे ना, काशी के बाजार में राजा रानी बेचा गे ना, काशी के बाजार में राजा रानी बेचा गे ना, काशी के बाजार में राजा रानी बेचा गे ना। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथों बिक गए। अब तो राजा हरिश्चंद्र जी डोम के घर में शमशान घाट में मुर्दा के रखवारी करे, पानी भरे जिन राजा चक्रवर्ती राजा के रूप में रहिन, आज वो राजा कर्म के लिखे के कारण दर दर भटका थे। सज्जनों, एकरे सेती तो संत मन कहते हैं कि कर्म गति टारे नाही तरे, मनखे के भाग में जो एक बार लिखा गे बोला कोई नहीं टाल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी के थे, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। करम मजे कर लिखे है जैसे, करम मजे कर लिखे है जैसे, पर थे उला भुगतान हो इही विधना के विधान। समय होतेगा गजब बलवान है। सज्जनों, एक दिन के बाद राजा हरिश्चंद्र जी डोम के घर में मुर्दा के रखवारी करत रहे, उही समय राजा हरिश्चंद्र जी के बेटा रोहित हर फुलवारी में फूल तोड़े ला जाते, फूल ला तोड़त रही थे। दुख के पहाड़ तो राजा हरिश्चंद्र जी ऊपर गिरे छावे, इही समय मा एक करिया सांप आकर के रोहित ला चाप देते। रोहित मूर्छित होके गिर जाते। तारामती माँ रोहित ला खोजत खोजत, एती तेती खोजत वो फुलवारी में आते, ता देखते कि रोहित के तो प्राण पखेरू उड़ गए हैं। आज तारामती माँ विधाता ला कोसे ला लग जाते कि हे विधाता, ये मोर जीवन में कैसन दुख आज मोला देखे बर मिला थे। पति के साथ तो छुटबे कर गे, आज मोर बेटा ला भी आप छीन लियो मोर से। हे प्रभु, कौन से अपराध हमन कर डर रहे नाथ,
आज कौन से कर्म के लेखा के हमला फल मिलत है। रानी तारामती आज बेटा के आगू में तड़प तड़प के रोवत हवे। बेटा तोर पिताजी तो हमला छोड़ के डोम के घर में रखवारी करत है, लेकिन आज तहु हमला छोड़ के चल देस बेटा। अब मोर ये जीवन कैसे चल ही बेटा, तोर बिना मैं कैसे जीवूं। तारामती माता हा अपन वात्सल्य भाव से बेटा ला छाती में लगा के रोवत हवे। चंदा सही मोर बेटा, सूरज सही मोर लाला, ते कैसे सुत गे रे, काबर नहीं आगे।
बोलत बेटा। तारामती दोनों हाथ में रोहित ला उठा करके रोहित ला गति देवर डोम के घर में जाते। शमशान घाट में रोहित ला जब तारामती क्रियाकर्म करे बर जाते तो राजा हरिश्चंद्र जी रखवारी करे बर आगू में खड़े रहे। हरिश्चंद्र अपन बेटा के हालत ला देख के आँखी में आंसू आ जाते। तारामती हाथ जोड़ के कहे, स्वामीनाथ बिदना हमार भाग में अगर दुख लिखे है तो लिखे है, लेकिन हे प्राणनाथ हमार राजपाट छिन गए तो छिन गए, लेकिन आज ये भिखारिन आपकी पत्नी नहीं बल्कि एक माँ बन के आपसे भीख मांगत है कि मोर बेटा ला सदगति देवर थोड़ की नपन शमशान में जगह दे देते हो। हरिश्चंद्र कहे, देवी रोहित भले मोर बेटा है, लेकिन मैं आज अपन कर्तव्य में बंधे हूँ। देवी मोला मोर मालिक कहे है कि बिना कोई मूल्य चुकाए ये शमशान घाट में कोनो ला जगह मत देवे। हरिश्चंद्र जी राजा कहे, देवी मैं मजबूर हूँ, जब तक ते मोला कोई मूल्य नहीं चुकाबे मैं तोला ये मुर्दा घाट में जगह नहीं दे सको। माता तारामती आँखी में आंसू लेके बोले, प्राणनाथ आप तो जानते छो कि अब मोर पास कुछ नहीं है, मैं काला आपला दूँ, मोर पास मूल्य चुकाए बर कहीं नहीं है प्राणनाथ। अंत में जब राजा हरिश्चंद्र जी नहीं मानिस ना तो माता तारामती अपन साड़ी के पल्लू ला फाड़ के राजा हरिश्चंद्र जी के चरण में रख देते। प्राणनाथ अगर आप अतिक मोला जीत करत हो मैं आपके सत्यवादिता ला प्रणाम करत हूँ, आपके कर्तव्य निष्ठता ला प्रणाम करत हूँ और मूल्य के बदला में ये साड़ी के पल्लू ला आपला देवत हूँ। ये प्रकार से तारामती दिल में पथरा रख के हृदय में पथरा रख के अपन बेटा के क्रिया कर्म करे बर साड़ी के पल्लू ला दे देते भैया। राजा हरिश्चंद्र जी तब रोहित ला अपन मुर्दा घाट में जगह देते। विधना के ऐसा लेख दुख के ऊपर दुख राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आते, लेकिन सत्य के राह ला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं छोड़े। जब देवता मन देखिस ओहो अतेक परीक्षा ले के बाद भी ऐसा सत्यवादिता आज तक हमन कभू ऐसा उदाहरण नहीं देखें। देवता मन सब हर्षित होके राजा हरिश्चंद्र के जय जयकार स्वर्गलोक में गूंजे लगते। तब देवता मन मुनि विश्वामित्र जिला फेर पठो थे कि महात्मन अभी तक जोन परीक्षा आप हरिश्चंद्र के लेत रहे हो हरिश्चंद्र वो परीक्षा में सफल हो गए, अब आप जा करके उकर जम्मू राजपाट ला वापिस कर दो। मुनि विश्वामित्र जी आ करके राजा हरिश्चंद्र जी ला कहे, राजन मैं तो मात्र तोर परीक्षा लेत रहे हो, ले बेटा मैं तोर दान करे जम्मो राजसी ठाट बाटला जम्मो राज पाटला वापिस करत हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी ला जम्मो राज पाट मिल गए और गुरु विश्वामित्र जी अपन विद्या के द्वारा रोहित के प्राण ला भी पुनः होकर शरीर में ला देते। रोहित भी जीवित हो जाते और ये प्रकार से हरिश्चंद्र राजा ला सत्यवादिता के बल में पत्नी पुत्र राज पाट सब कुछ वापिस मिल जाते। ये कथा हमर पौराणिक कथा है सज्जनों, तो हमो मल्ला चाहिए कि सत्य के राह में भले कतनो कठिनाई आए लेकिन सच्चा के रद्दा ला कभू नहीं छोड़ना चाहिए। संत मनोकरे से ती कहे हैं, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा, प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जी के कथा ला हम आपके सामने रखे के प्रयास करें। सुन लो हो संतो सुन लेना भैया, सुन लो हो संतो
सियावर रामचंद्र की। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आवो मैं आप सबला महान भक्त केवट जी महाराज के कथा सुनावत हूँ। सचमुच मानस में केवट जी महाराज अटपटा भक्त है। भगवान रामचंद्र जी जब लखन जी और माता सीता के साथ 14 साल के वन यात्रा करे बन निकलते, तब सुमंत जी महाराज के रथ ला छोड़ के भगवान गंगा के तीर में उतर थे। ओ समय के दशा ला का पूछना, भगवान और हम में यही तो अंतर है सज्जनों कि जीव जो है वो ला हंस के आनंद आते, लेकिन ईश्वर ला रो करके आनंद आते। ईश्वर संसार के कल्याण के खातिर भक्त मन के हित करे के खातिर हमेशा रो ही हवे, हमेशा चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, अपन भक्त मन के हित करे बर सदैव दुख झेले हैं। ऐसन प्रभु राम के चरण ला छोड़ के हम अन्यत्र कहाँ कहाँ भटकत रहिथन। जब भगवान के घोड़ा मन देखिन कि भगवान हमला छोड़ के जावत हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रत हा क्यों है राम तन हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताहि। जैन प्रभु राम के वियोग में आज घोड़ा मन भी रोवत है, हिनहिनावत है। हम तो मानव मन, अगर हमार अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं है, तब तो हम पशु से भी गए बीते हो जबो। आवन सज्जनों, केवट जी महाराज के घाट में गंगा के तीर में प्रभु राम खड़े हैं। भगवान राम एती तेती सबो डहार देखते कि कौन ला मोला गंगा पार करे बर बुलाए जाए। भगवान राम जी भक्ति घाट में जाकर के केवट जी ला आवाज देते, ए केवट एती आ। तो केवट जी पलट के देखते और केवट जी हा अपन डोंगा ला धोवत रहा है, वो डोंगा जगह जगह ले छेदा हो गए रहा है। भगवान जब पुकारिस तो केवट जी पलट के देखते और दुरिया ले ही इशारा करते, नहीं प्रभु मैं आपके तीर में नहीं आऊं। भगवान फिर एक बार हाथ मारते, आओ ना भैया काबर नहीं आतो। केवट थोड़कीन तीर में आते, भगवान ला पूछते का बातें, का सेवा करो मैं आपके। भगवान कहे मोला ओप पार नहका देते भैया। केवट जी कहे, प्रभु मैं आपके मरम ला जानता हूँ। सज्जनों, मांगी नाव ना केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। भगवान के मरम ला भई भला कोई जान सकते। उमा दारु ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। लेकिन हाँ, ईश्वर के भी मरम ला संत महात्मा मन कब जानते, तो गोस्वामी जी एकर कारण बताते हुए कही थे, सोई जाने हो जेहि देहु जनाई, सोई जाने हो जेहि देहु जनाई। भगवान ला केवल वही जान सकते जेला भगवान जानना जनवाना चाहता। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। ईश्वर ला जानना
बहुत कठिन है, लेकिन आज केवट कहे मैं तोर मरम ला जानता हूँ भगवान। मानस में भगवान के मरम ला बहुत जनमन जाने हैं, जैसे कि रावण और माता वृंदा, ये मन सब भगवान के मरम ला जान डरी। काबर काबर की भगवान ही मन ला जनवा दी, भगवान की लीला हरे है, भगवान आज नर लीला करत है, बड़ा विचित्र बात है। सज्जनों, हम मानव होके ईश्वर जैसे बने के प्रयास करथन, पर ईश्वर हा ईश्वर होके मानव जैसे चरित्र करते। हम ईश्वर की लीला करथन, राम लीला करथन, लेकिन ईश्वर नर लीला करत है। एकरे सेती तो एक जन संत महात्मा की थे कि अपन आपला भगवान ले बढ़ के कभू नहीं मानना चाहिए। तो आज केवट जी कहे मैं तोर मरमला जानता हूँ। भगवान के तीर मा लखन जी खड़े रहे। लखन जी केवट ला करखा देख के कहे, अरे केवट, बड़े बड़े संत महात्मा मन जेकर मरमला नहीं जानी, साधु संत मन में जेकर मरमला नहीं जान पाई, ते छोटे से नैया वाले केवट कैसे भगवान के मरमला जान डरे। तब केवट कहे, लखन जी मैंने कहा सब संसार के संत मन कही थे कि भगवान के चरण में वो जादू है जेकर से पत्थर भी नारी बन जाते। ओ भगवान, आपला अगर पार होना है तो हो, लेकिन एक खिल शर्त है, जब तक आप अपन चरण ला नहीं धोवा हूँ मैं आपला पार नहकाबे नहीं करूँ। भगवान कहे, केवट भैया ये आप का गुठिया थो, मोला बड़ा देरी होते केवट जी, जल्दी ऐसे उपाय करो कि मैं पार नहक जाऊं। केवट मन में विचार करी, संसार ला पार लगैया भगवान आज मोला पार लगाए ला बोला थे। यही तो प्रेम के परिभाषा है, संत कवि सूरदास जी एकरे सेती कही में, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े पर जुड़े गांठ पड़ जाए। आवन केवट जी भगवान ला का बहाना बनाते, देखन एक भजन के माध्यम में। चरणों में तेरे जादू है श्री राम, चरणों में तेरे जादू है श्री राम, धोए बिना मैं तो लगाऊं नहीं पार चरण, धोए बिना मैं तो लगाऊं।
बस मेरी नैया जीवन की आधार, एक बस मेरी नैया जीवन की आधार, धोए बिना मैं तो लगाऊ नहीं पार, चरण धोए बिना मैं तो लगाऊ नहीं पार, चरणों में तेरे जादू है तेरा, चरणों में तेरे जादू है तेरा, धोए बिना मैं तो लगाऊ नहीं पार, चरण 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 धोए बिना मैं तो लगाऊ नहीं पार। सियावर राम चंद्र शंकर हरि हरि उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।